धार जिले के तहसील बदनाबर के ग्राम पंचायत कांदरिया के सरवनिया गांव के ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की पेंशन योजना, वृद्धा योजना, कुटीर योजना, राशन कार्ड योजनाओं के तहत जो ग्रामवासियों को गेहूं, सरकारी धान इत्यादि मिलना चाहिए, इन सभी का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है। इस संबंध में सरपंच को और सचिव को सूचित किया गया तो बोला गया कि जनपद में जाओ, वहीं से कार्य होगा। वहीं विकलांग योजना के तहत विकलांग बच्चे को किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। भूपेंद्र सिंह, चंदन कुंवर, कमल सिंह, तेजराम पंचाल, मोहित और अंकेश ग्राम सरवनिया में किसी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे स्कूल के बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच और सचिव को बोला तो उन्होंने कहा कि जनपद में जाओ, वहीं से कुछ कार्य होगा। ग्राम सरवनिया में पुरानी आबादी 30 साल की हो गई है, फिर भी आबादी घोषित नहीं किया गया। यहाँ की आबादी के 20 से 25 घर को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया गया। देखिए धार जिले से क्राइम रिपोर्टर मोहित दखनी की खास रिपोर्ट। अभी हम धार जिले के बदनाम तहसील के ग्राम सरवनिया में पंचायत तिरथी कंडा यहाँ पे आए हुए। यहाँ की समस्या है जो है बताई जा रही है कि यहाँ पे कुटीर व्यवस्था जो भी है, कूपन के लाभ, वृद्धा पेंशन आवास जो योजना होती है उसका भी लाभ नहीं मिला है। चलिए आइए हम ग्रामवासियों को थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जी आपका सुनना हमारा आबादी घोषित नहीं है और कच्चा मकान है, हमारे कोई मुख्यमंत्री सरकार तैयार नहीं, हमारी कोई भी व्यवस्था नहीं। सरपंच साहब को जाके लिखित में दिया था या सिर्फ बोला था? हाँ बोला था, सिर्फ जाके बोला था। लिखित में क्या बोला उन्होंने? लिखित में तो दिया था, जैसे में दिया इन्होंने। जी आपका सुनना हमारे बच्चे वो आदमी वो भी अपन हंसे बचते हैं, कोई काम कुछ कर भी लेता है ना, कोई कहीं भी नहीं मिली हमारे लिए। कोई कुट्टी कुट्टी के कोई कंटू का गाँव से धान के कोई भी मजदूरी कर ही रहा है ना, कोई सरकारी कोई हमारे कोई लाभ नहीं मिली। अरे कुछ भी लाभ नहीं मिले, कोई गेहूँ के धान के कॉपिंग के कुट्टी के कोई कई नहीं। विधवा हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, एक कराए मकान से गई सरवनिया में बूथ अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में यहाँ पर सरपंच सचिव कुछ जनता के काम नहीं कर रहे हैं और जनता इतनी परेशान है उनसे कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनके पास जाते हैं काम लेके तो उनका बोलना है कि हम सरवनिया से नहीं जीते हैं, हम कंडारिया पंचायत से जीते हैं, आपका विकास हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, गांव वाले के बच्चे बच्ची यहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन में 6-7 बच्चे बच्ची ऐसे हैं कि उनकी आईडी गलत है। सचिव से भी हमने बात करी, सचिव का बोलना है कि मैंने मेरी तरफ से कर दिया है, जनपद से वेरीफाई करेंगे, इसके बाद करीब करीब 1 महीना हो गया। दूसरी बात सर, जो स्कूल पढ़ाने आते हैं बच्चे बच्ची को, उनने सचिव से बात करी है, सचिव बोल रहा है कि मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया है, आप देख लो। तो उसके बाद में वो सर का फोन नहीं उठा रहे सचिव। उनका कहना है कि हमने काम तो कर दिया है, आप वहाँ से देख के वेरीफाई करके देख लो, आईडी निकल गई होगी। अभी तक आईडी नहीं निकली है। उनके सर के बच्चे बच्ची बहुत परेशान हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, विकास यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, सचिव सुन नहीं रहा है। सचिव से सबसे बड़ी समस्या सचिव से है। दूसरी बात यह, गरीब गुरबा के लिए प्रधानमंत्री आवास के विषय में अब सर्वे करना चाहिए, सर्वे वो कर नहीं रहा है यहाँ आके। भाई अगर आए हैं तो सबका करो सर्वे। सचिव कहाँ का रहने वाला है? ये केसूर का है, सहायक रोजगार और मेन सचिव महेश गहलोत करके है, मनावर के पास के रहने वाले। वो सरपंच का नाम अर्जुन लाल चरपोटा है, वो यहीं की है वर्तमान में। और दूसरी बात यह है कि सचिव जो मेन सचिव है वो लगभग यहाँ महीने भर तक नहीं आ रहे, महीना डेढ़ महीने में एक बार आ रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आ रहे, कंडारिया तक आते हैं और यहाँ वहीं से चले जाते हैं। आपने अपनी सुनवाई की भी दिक्कत है? मैंने शिकायत कर चुका हूँ, जनसुनवाई में कर चुका हूँ शिकायत, और वर्तमान में जो भी अपने नेतागण हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, उन्हें इस विषय में विचार करने को बोला कि हम विचार करके उनसे बातचीत करके आपको बताते हैं। अभी तक कोई उनसे बातचीत भी नहीं हो पाई है और कुछ काम भी नहीं हुआ जनता। राशन कार्ड वगैरह जो भी आदि सामग्री लगती है पंचायत की, बच्चों को खूब परेशानी आ रही है। इंदौर जाता हूँ तो वहाँ से दिखाते बुलाया हूँ, पार्षद से कि यहाँ रहते थे आपकी जहाँ आपके बाद में
ये वहाँ रहने चले गए सर्वने ग्राम में। यहाँ मैंने मंत्री ईश्वर सिंह को भी लिखित में वहाँ से पार्षद कल आया मैंने श्रीमान श्रीमती रेखा ठाकुर से लिखवा के लाया हूँ। वो तक यहाँ किया तो वो बोलते कि इंदौर नगर निगम से नाम कटवा के आओ। नगर निगम में सात नगर निगम है इंदौर में, सात वार्ड है, सातों के पास जाके आया हूँ मैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो बोलते कि वहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा। मैं वहाँ से रेखा ठाकुर से पार्षद से लिखवा के लाया हूँ, इनके परिवार में जितने भी सदस्य उन सबका नाम लिखवा के लाया हूँ। पूर्णिया मंत्री ईश्वर सिंह को दिया मैंने लिखित में, तो वो बोलते हैं नगर निगम से कटवा के लाओ। साहब नगर निगम कब काटे, मेरे को क्या भरोसा या मैं उनका डॉक्यूमेंट में कोई जोर तो दे नहीं सकता। मैंने लिखित में दे दिया उन लोगों को, तो उन्हें पार्षद से लिखवा के मुझे दिया है। मैं चाहूँ तो प्रूफ कर सकता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है पार्षद का लिखा ठाकुर। एक महीने आती है, दूसरे महीने नहीं आती है, कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिला। और किसी को कोई समस्या मेरी ये कई दिन दान पाने मना कई दिन नहीं मिला है और इसकी आगे सही मेरी मंत्री बोला के आगे मेरी पेंशन नहीं देखे और मंत्री बहुत अकड़ते मेरे से, कोई बात नहीं करता आराम से। हमने छत के भगवान बुला लिखा था नाम बताओ मंत्री बटकी नहीं तो गए थे और हमसे बोलने को पसंद नहीं करते। गली माता ने तो और हमने मकान बना रहे हैं और 15,000 रुपए मेरे को दोगे तो मैं दो बार बोली दूंगा पेंशन के पैसे। किसने बोला? मंत्री ने बोला। मंत्री ने बोला सचिव ने मुझे अपने रोजगार सहायक नहीं मंत्री रोजगार सहायक ने बोला कि मंत्री ने बोला मंत्री नहीं बोला अरे रोजगार सहायक केशव वाला रोजगार सहायक ऐसा बताएंगे रोजगार सहायक मंत्री ने तो नहीं बोला ना ऐसा कि मंत्री ने बोला इसी के साथ देखते रहे BSP 24 के साथ मोहित अग्नि के साथ।